हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हैं और क्विकली नोट डाउन कर सकते हैं आपकी कक्षा 6 की सामाजिक एवं राजनीतिक बुक का अध्याय 4 पंचायती राज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा किसी एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा है, मतलब वो लोग जिनको वोट देने का अधिकार है वह ग्राम सभा के सदस्य हैं, यानी 18 या उसके ऊपर। और इस सभा में जो भी ग्राम पंचायत की योजनाएं हैं उन पर चर्चा की जाती है, और जब ग्राम सभा किसी भी प्लान को अप्रूव कर देती है, हाँ कर देती है, तभी वो पैसा जो ग्राम पंचायत के पास है वो वहां पर खर्च किया जाता है। अब ग्राम सभा के कार्य क्या हैं? क्यों महत्वपूर्ण है ग्राम सभा? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या संबंध है? क्या लोगों को ग्राम सभा की जो मीटिंग्स हैं, सभाएं हैं, वो अटेंड करनी चाहिए? तो ग्राम सभा 5 साल के लिए ग्राम पंचायत का चुनाव करती है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ग्राम पंचायत को धन के दुरुपयोग करने से रोकती है, पंचायत के कामकाज पर नजर रखती है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोगों के सामने ग्राम पंचायत की योजनाओं पर चर्चा की जाती है। और अगर आपको पूछा जाता है कि क्या ग्राम सभा की मीटिंग्स जो हैं, जो साल में 2 या 3 बार होती हैं, उसको अटेंड करना जरूरी है ग्राम सभा के लोगों के द्वारा, ग्राम सभा की मीटिंग नहीं, ग्राम पंचायत की मीटिंग, तो हाँ भाई, बिल्कुल जरूरी है ग्राम सभा का मीटिंग्स को अटेंड करना, क्यों, ताकि वह पंचायत के कामकाज पे नजर रख सके। मीटिंग ही नहीं अटेंड करेंगे ग्राम सभा के लोग तो कैसे नजर रखेंगे, धन के दुरुपयोग को रोक सकें। तो बड़ा सिमिलर सा आंसर है। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन है, सेल्फ रूल, मतलब लोगों का खुद का रूल है, खुद अपने आप लोगों की एक तरह से सरकार है, और ये गाँव के स्तर पे है। और जो गाँव है वो कई सारे क्षेत्रों में बटा हुआ होता है, उस क्षेत्र को वार्ड कहते हैं। हर वार्ड से एक सदस्य का चुनाव होता है जिसको वार्ड सदस्य या पंच कहा जाता है। पंच का मतलब 5 लोग नहीं है, ये पुराना टर्म है, आज की डेट में पंच 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, ये गांव के साइज पर डिपेंड करता है। और इन सभी पंचों के ऊपर एक सरपंच होता है जिसको हम पंचायत अध्यक्ष भी कहते हैं। पंचायत समिति या जनपद पंचायत क्या है? पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का मध्यम या दूसरा स्तर है, इसके सदस्य उस ब्लॉक के गांव के सरपंचों द्वारा चुने जाते हैं। और फिर पंचायत में तीसरा भी एक लेवल है जिसका नाम है जिला परिषद या जिला पंचायत, यह सबसे ऊंचा लेवल है, और इसमें ब्लॉक समिति के कामकाज का समन्वय करता है, नजर रखता है कि कैसे काम हो रहा है। ग्राम पंचायत और ग्राम समिति और राज्य सरकार के बीच में जिला परिषद एक कड़ी प्रदान करते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो सबसे ऊपर जिला परिषद होती है, उसके नीचे बहुत सारी पंचायत समिति आती हैं, हर पंचायत समिति के नीचे कई सारी ग्राम पंचायत होती हैं। फिर हम आगे आते हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है? ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क सदस्य शामिल हैं, यानी 18 या उससे ऊपर, और ग्राम सभा द्वारा चुने गए जो सदस्य हैं, यानी पंच और सरपंच, वो ग्राम पंचायत में शामिल होते हैं। यह ग्राम पंचायत के कामकाज पर नजर रखता है, और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के लिए जवाबदेह है। ग्राम सभा के लिए कोई चुनाव नहीं होता, ग्राम पंचायत जो है ये 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या हैं? तो वो जल के जो स्रोत हैं, सड़कें, जल निकासी, स्कूल भवन, इन सब का निर्माण और रखरखाव करना, कर लगाना, कर जमा करना। गाँव में जब भी सरकारी कोई योजनाएं लागू करनी होती हैं तो उसको किस तरह से लागू किया जाए, ये सब देखरेख भी ग्राम पंचायत के कार्यों में आता है। फिर ग्राम पंचायत के लिए धन के क्या स्रोत हैं? ग्राम पंचायत घर, बाजार, स्थान आदि पर लगाए जाने वाले कर से उनको राशि मिलती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं को जब लागू किया जाता है तो उसके लिए भी राशि मिलती है, और समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान भी होता है। फिर वाटरशेड प्रबंधन क्या है?
यह एक प्रक्रिया है जो भूजल संसाधन के संरक्षण और पुनर्भरण में मदद करती है। मतलब जो बारिश का पानी होता है वो तकरीबन वेस्ट हो जाता है, तो उस बारिश के पानी को किस तरह से मैनेज किया जाए, उसको हमेशा लो लाइंग एरिया में, जो निचले इलाके हैं, वहाँ कलेक्ट होने दिया जाता है ताकि वो पानी थोड़े टाइम तक भरा रहे और उसके बाद उससे भूजल का लेवल बढ़े और नदियों में भी पानी का लेवल बढ़े। और आपको एक फ्लो चार्ट में पंचायती राज संस्थान और पंचायत संरचना के स्तर को दिखाना है, तो ये है वो फ्लो चार्ट। ये इंग्लिश में बना हुआ है, आप इसको हिंदी में लिखेंगे। सो ये थे नोट्स इस लेसन के, और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, और पूरे सिलेबस का जो मैप वर्क है वो भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे। सो पसंद आए तो जस्ट शेयर। थैंक यू सो मच।